ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख फरीद एंड यू आर वाचिंग राइट ट्रैक। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जा रहे हैं इस वीडियो में कुछ हमारे बच्चे खुश है जो सिविक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से कई मरतबा आ चुके हैं ना, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब वेरियस चैलेंजेस बताना हमें, किसका, पीपी का, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, यहाँ पे अगर जिस किसी को नहीं आएगा ना, ये चारों उतार लेगा, है ना। इसको डिटेल में हम लिखेंगे, लेकिन बेटा क्या, हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले। हम इसको अगर नहीं आ रहा है तो आप इतना ही लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। पहला क्या, हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन एंड मनी एंड मसल्स पावर, एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, है ना। एक एक करके हम देख लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, और लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टी के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पे हमें अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी है उसके अंदर ही क्या हो रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी की कमी है ना। लैक मतलब कमी होता है, ठीक है, इंटर मतलब अंदर। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, ना पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर ही है ना, अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं लेती हैं। फिर क्या लिखा है, दे डू नॉट रेगुलर कंडक्ट इलेक्शन, ना पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टीज के अंदर रेगुलर इलेक्शन वगैरह नहीं कराते हैं ना। फिर क्या लिखा है, ओनली टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी टेक्स मेजर डिसीजन, और जो उस पॉलिटिकल पार्टी के ना जो टॉप लीडर होते हैं, जैसे मान लीजिए समाजवादी के तो कौन होगा, अखिलेश यादव, है ना। वैसे ही अगर हम बीजेपी की बात करें तो हमारे हो जाएंगे अमित शाह हो गए, है ना। जितने भी प्रोमिनेंट या टॉप लीडर होते हैं वही क्या करते हैं, यहाँ पे सब बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं ना। फिर उसके बाद देख लेते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन का, हमारे पास दो तीन पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, टॉप पोजीशन ऑफ द पार्टी आर ऑफन होल्ड बाय द सेम फैमिली मेंबर्स, है ना। तो जो इसमें डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि उस पार्टी के अंदर जो भी बड़े बड़े नेता आएंगे ना, या बड़े बड़े लीडर जो रहते हैं ना, वो कौन रहेगा, एक सेम फैमिली के मेंबर रहते हैं। जैसे हम अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और जितने गांधी आने वाले हैं सब, है ना, एक के बाद एक, है ना, यहाँ पे सेम फैमिली से आ रहे हैं ना। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपन फंक्शनिंग, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट की, है ना, मतलब कि बस टॉप लीडर जो रहेंगे उन्हीं को सारे इन्फॉर्मेशन रहेगी, और जो उस पार्टी के अंदर जो निचले लेवल पे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है ना, तो ओपन फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे कमी रहेगी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, मनी एंड मसल्स पावर, ये आपको दिखता है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश एंड बिहार के इलेक्शन में, है ना। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, पार्टी वांट टू विन इलेक्शन, है ना, यहाँ पे विन हो जाएगा। पार्टीज जो है वो क्या चाहती हैं, इलेक्शन जीतना चाहती हैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। सो दे यूज़ मनी एंड मसल, तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मनी एंड मसल्स पावर्स का। पार्टीज ऑफन नॉमिनेटेड दोज कैंडिडेट हैविंग मनी, पार्टीज ना अक्सर क्या करती हैं, उन्हीं कैंडिडेट को खड़ा करती हैं या टिकट देती है, नॉमिनेट करती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, है ना। इन सम केसेस दे आर सपोर्ट क्रिमिनल टू विन इलेक्शन, है ना। किसी केसेस में क्या होता है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनको मतलब कि खड़ा करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, इलेक्शन आराम से जीत सकें, है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, इसके अंदर देख लेते हैं हम क्या लिखा है, देर इज़ नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, इन सब की जो अगर आइडिया देखा जाए तो सबका क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। अगर मैं बोलूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऋतिक रोशन ही क्रिश है और क्रिश ही ऋतिक रोशन, है ना, वैसे कुछ हो जा रहा है कि हर पार्टी का नाम अलग अलग है लेकिन उनकी आइडियोलॉजी जो है ना ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पे भाई बोल रहा है कि कोई भी आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंसेस नहीं होता है ना, देर इज़ नो डिफरेंट, लिखा है ना, नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, सो दे डोंट प्रोवाइड अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। तो हम जो वोटर है ना उनके लिए कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वॉट इज़ वन पार्टी सिस्टम, है ना। ये कई मरतबा आया है पिछले आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, पॉलिटिकल पार्टी का ही क्वेश्चन है ना, कि व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम। एक नंबर में आ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा कंट्री जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चलती है। देख लेते हैं हम क्या लिखे हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट।
एक ऐसा सरकार, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे बस क्या हो, एक ही सरकार हो जो पूरे देश को क्या करे, एक ही गवर्नमेंट हो जो पूरे देश को क्या करे, कंट्रोल करे, है ना। इट इज़ आल्सो नोन एज सिंगल पार्टी। इसका दूसरा, इस वन पार्टी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंगल पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपना चाइना के अंदर, है ना। क्वेश्चन फिर उसके बाद देख लेते हैं, वॉट इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम। ना यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ये भी कई मरतबा पूछा है। अ कंट्री हैविंग मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज इज नोन एज मल्टी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ऐसा देश जिसके पास क्या हो, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम या फिर डुअल पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल की अपना इंडिया, है ना। नेक्स्ट, और इन दोनों के बीच में ना हो सकता है कि आपका डिफरेंस पूछ ले, तो प्लीज़ बहुत ईजी है, आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे खासे मार्क्स का पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई सालों से पूछा है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कैसे डेमोक्रेसी मतलब प्रोड्यूस करती है अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही, है ना। ये कैसी सरकार होती है, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आंसरेबल, ना ये जवाबदेही गवर्नमेंट होती है टू इट्स सिटीजन, है ना। अपने नागरिकों को इनको जवाब देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, रिस्पॉन्सिव, है ना। अ गवर्नमेंट इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ना एक सरकार कहा जाता है, मतलब कि ये सरकार क्या है, रिस्पॉन्सिव है। किधर, वेन इट रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ द पब्लिक्स एंड कंसीडर इट वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जब ना देखिए, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट तब कही जाती है जब ये किसके, लोगों के डिमांड्स के ऊपर काम करे, ना। तब हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिव, है ना। बोलते हैं ना कंसीडर, तब मान लेते हैं कि वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। जब ये गवर्नमेंट किसके हित में काम करें, लोगों के डिमांड के हिसाब से काम करें, है ना। फिर देख लेते हैं यहाँ पे लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल या फिर लॉ से बना हुआ या फिर एक्सेप्टेबल टू ऑल, ना। यहाँ पे क्या लिखा है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये किसके, लोगों की खुद की सरकार है। व्हेन ऑल द लॉज ऑफ कंट्री आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल इट्स सिटीजन, जब जितने भी मतलब कानून है ना, वो पूरे देश भर में अगर बराबर एप्लीकेबल हो रहे हैं उनके सारे सिटीजन पे, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस गवर्नमेंट इज वेरी लेजिटिमेट, है ना। ये तीनों आपको अच्छे से याद करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, हाउ डज अ डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सॉरी ये जो क्वेश्चन था, ये और ये वाला हमारा सेम हो गया था ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए। व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट, है ना। कि क्यों डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है, और जितनी दुनिया भर में जितनी भी सरकारें हैं ना, उनसे क्यों अच्छी मानी जाती हैं, हम देख लेते हैं क्या लिखा है। अ डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेसी के अंदर बस क्या पैदा होता है, अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। हमारे यहाँ पे पॉइंट नंबर एक है, पीपुल्स हैव राइट टू चूज़ देयर रूलर्स एंड हैव कंट्रोल ओवर द रूल्स, ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लोगों के पास ना ये अधिकार होता है कि वो अपने रूलर्स को चूज़ कर सकती है एंड उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकती है ना, अपने रूल्स रूलर्स के ऊपर अपना मतलब कंट्रोल भी कर सकती है ना। तो इसलिए ये क्या है, मतलब कि सारे गवर्नमेंट से अच्छी है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सेकेंड है हमारा, वेन नेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी दे शुड पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग ऑन इशू दैट अफेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब भी ज़रूरत लगती है लोगों को, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट कर देते हैं, कर सकते हैं ना, और इशूज़ को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर थर्ड है, इट प्रोवाइड स्पेस टू करेक्ट इट्स मिस्टेक, अगर सरकार से कोई गलती हो जाती है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने मिस्टेक को सही कर सकते हैं, है ना। डेमोक्रेसी इज बेस्ट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है सबसे अच्छी सरकार है, बिकॉज इट इज़ अकाउंटेबल, क्योंकि ये क्या है बेटा, अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है, रीजनेबल एंड ट्रांसपेरेंट, है ना। फिर यहाँ पे देख, नेक्स्ट हमारा जो फाइव पॉइंट है, फाइव नंबर पॉइंट, इट इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ये किसके लिए सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, एंड बाई द पीपल, है ना, लोगों के द्वारा ही बनाई गई ये सरकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाइएगा ना, और हमारे आईडी जो है इंस्टाग्राम की, वहाँ मेंशन की गई, आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेटा अच्छे से करिएगा, है ना। अब हम कल ज्योग्राफी का करा देंगे।